राजस्थान के बारा मांगरौल पंचायत समिति के ग्राम पंचायत हेगोनिया के पाडलिया गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो अतिरिक्त कक्ष निर्माण के बजट स्वीकृति होने के बाद विद्यालय में कक्षा कक्ष की कमी दूर हो जाएगी। ग्रामीण मुरलीधर शर्मा, सत्यनारायण गौचर, संजय गालव ने बताया कि उनके गांव के विद्यालय भवन में पिछले कई वर्षों से कक्षा 1 से 8 तक कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 3 कक्षों में बैठकर पढ़ाई करते आए हैं। एक कक्ष में 2 कक्षाएं बिठाकर पढ़ाई करवाने की मजबूरी थी। विशेषकर बारिश के मौसम में बच्चों की पढ़ाई ज्यादा बाधित होती थी। उस समस्या का समाधान हो गया। ग्राम पंचायत हेगोनिया की सरपंच प्रतिनिधि मुकेश गौचर ने बताया कि मांगरौल पंचायत समिति प्रधान श्रीमती चंद्रकांत मीणा एवं खान गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इस विद्यालय के 2 कक्ष निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने को लेकर ग्रामीणों सहित सरपंच कविता गौचर ने आभार जताया है। इसको लेकर विद्यालय के खंडहर कक्ष को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करके जमीन दोज किया जा रहा है। आमदा है और इसके बनने से कक्षा एक सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी। अभी क्या की कक्षा कक्षों की कमी है। शुभ नाम सर? बबलू कुमार तेली। क्या पोस्ट पे हो आप? संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाडलिया। पंचायत समिति कौन सी थी आपकी? पंचायत समिति मांगरौल है। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।